नमस्कार, मैं हूं मनप्रीत और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल वायरल सर्च। नई बस्ती गुरुग्राम में जन सेवक क्रांति पार्टी के द्वारा मासिक धर्म स्वच्छता दिवस के मौके पर सैनिटरी पैड वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर वहां मौजूद स्थानीय महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान रखने वाली सावधानियों के लिए जागरूक किया गया। इस आयोजन के दौरान विख्यात अस्पताल के चिकित्सकों के द्वारा भी महिलाओं को जागरूक किया गया। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे पार्टी के अध्यक्ष अंकित अलग ने अपने संबोधन के दौरान कहा कि पार्टी के द्वारा ना सिर्फ महिलाओं को जागरूक किया जाएगा बल्कि महिलाओं को सशक्त कैसे किया जाए उसके लिए भी प्रयास लगातार जारी रहेंगे। इस अवसर पर जन सेवक क्रांति पार्टी की विधानसभा अध्यक्ष स्वाति ग्रोवर ने वहां उपस्थित महिलाओं को सैनिटरी पैड वितरित किए और कार्यक्रम की जानकारी देते हुए कहा कि आज मासिक धर्म स्वच्छता दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में डाइटिशियन के द्वारा ये भी बताया गया कि मासिक धर्म के दौरान क्या क्या चीजें खानी चाहिए और किन वस्तुओं का परहेज रखना होता है। देखिए, जन सेवक क्रांति पार्टी का मूल सिद्धांत और मूल उद्देश्य यह है जागरूकता। आज 28 मई है, विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस मनाया जा रहा है, तो जन सेवक क्रांति पार्टी की महिला मोर्चा गुरुग्राम विधानसभा की अध्यक्ष बहन स्वाति ग्रोवर ने बीड़ा उठाया है कि हम महिलाओं को जागरूक करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं महिलाएं शर्म करती हैं, लाज रखती हैं और ये शारीरिक प्रक्रिया है और हम चाहते हैं कि इस शारीरिक प्रक्रिया में ये सावधानी बरतें, सफाई रखें, स्वच्छ रहें ताकि घातक बीमारियों से ग्रस्त ना हो। तो आज हमने कोशिश करी है, मणिपाल अस्पताल से एक डॉक्टर को बुलाया है और एक डाइटिशियन को बुलाया कि उन दिनों में कौन सी डाइट महिलाओं को लेनी चाहिए, कौन सी डाइट महिलाओं को नहीं लेनी चाहिए, उसके बारे में आज हमने जागरूक किया और आपके सामने नई बस्ती में हम यहाँ खड़े हैं। और क्योंकि यही कई बार ऐसा होता है, नहीं कॉलोनियों की महिलाएं माताएं बहनें शर्म करती हैं, तो हमारा प्रयास है कि हम उनको जागरूक करें, उनको मजबूत करें कि इस पर खुलकर बात करो, क्योंकि समाज में इतनी सारी परेशानियाँ वैसे ही हैं, दिखते हैं, लोग नहीं बोल पाते हैं, लेकिन अपने शरीर की जो प्रक्रिया है उसके बारे में तुमको बात करनी चाहिए। देखिए, मैंने आज महिलाओं का जो आज हमने मासिक धर्म स्वच्छता मनाया है, तो मैंने अपनी महिला मोर्चा को बोला है कि इस पे महिला सुरक्षा को लेकर भी हम क्लासेस करें, जागरूक करें, महिलाएं कैसे समाज में अपने आप को आगे बढ़ा सकती हैं, आगे कर सकती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आज कहा जाता है कि महिलाएँ और पुरुष समान है, ये लेकिन सिर्फ कथनी है, करनी में नजर नहीं आता है। आज भी हम 2023 में आधुनिक युग में रह रहे हैं, महिलाएं आगे नहीं आती हैं, महिलाओं को दबाया जाता है, अत्याचार किया जाता है, महिलाएं पीड़ित हैं। तो मैं अपनी महिला मोर्चा गुरुग्राम विधानसभा अध्यक्ष जो स्वाति ग्रोवर जी, इनसे मैंने अनुरोध किया है कि उन महिलाओं को बाहर लाओ, क्योंकि नारी शक्ति की मूर्त है और समाज में और राजनीति में नारियों की जरूरत है, तो जन सेवक क्रांति पार्टी नारियों को मजबूत करना चाहती है। मनप्रीत जी, आपने बिल्कुल सही बात बोली है और वायरल सच के चैनल के माध्यम से मैं सभी महिलाओं से अनुरोध करूंगी कि वो शर्माएं नहीं। कल भी हमें इसी समस्या का बहुत दो चार होना पड़ा कि सैनिटरी पैड तक लेने के लिए वो घर से बाहर आने को तैयार नहीं, फिर पुरुषों से लेने में भी उन्हें शर्म लगती है। मुझे समझ नहीं आता, जिस देश में हमें पैडमैन जैसी मूवी बनानी पड़ती है, जिस देश में हमें जनता से बात करने के लिए उनको ये याद दिलाना पड़ता है कि सच में कोमल है, कमज़ोर नहीं है, शक्ति का नाम ही नारी है, जग को जीवन देने वाली, मौत भी तुझसे हारी है, लेकिन वो समझ ही नहीं पा रही है कि उसके अंदर असली में कितनी ताकत है। आज हम काली माता मंदिर के सामने क्यों आए हैं, शक्ति का पुंज है काली माता। आज हम यही बताने जा रहे हैं कि दुर्गा तुम हो, लेकिन मानो तो सही, पहले समझो तो सही, बाहर आओ, बात करो। इसके लिए हमें स्पेशली मणिपाल हॉस्पिटल के डॉक्टर्स को बुलाना पड़ा और इसके साथ साथ हमें डाइटिशियंस हमारे पास आईं, डॉक्टर अंजलि शर्मा, डॉक्टर तरुण झाम जो कि एमडी मेडिसिन है, उन्होंने आके मासिक धर्म के बारे में बात भी की है और उसके साथ साथ उनको स्वच्छता के बारे में, क्योंकि आज जो 28 मई 2023 का जो दिन है ये वर्ल्ड मेंस्ट्रुएशन हाइजीन डे यानी कि मासिक धर्म स्वच्छता दिवस के रूप में मनाया जाता है, जन सेवक क्रांति पार्टी की महिला मोर्चा अपने अध्यक्ष श्री अंकित अलग जी का धन्यवाद देती है कि मुख्य अतिथि के रूप में आने का उन्होंने ये हमारी तरफ से अनुरोध स्वीकार किया और आज महिलाओं को हमें बाहर निकाल निकाल के लाना पड़ा कि एक सैनिटरी पैड लेने के लिए भी उनको घर से बाहर निकालना है, घूंघट में आके तो उन्होंने पैड लिया है। आप समझ सकते हैं कि गुरुग्राम जैसी मिलेनियम सिटी की एक छोटी सी बस्ती में भी अगर हमें ये दिक्कत आती है तो आप समझ लीजिए कि राजनीति तक आने के लिए उन्हें कितनी और सीढ़ियाँ चढ़नी है। तो महिला मोर्चा गुरुग्राम विधानसभा होने के नाते और पूरी महिला मोर्चा की टीम के साथ अपनी पूरी टीम की तरफ से मैं फिर से अनुरोध करूंगी कि घबराइए नहीं, शर्माइए नहीं, आइए और ना सिर्फ मासिक धर्म पे बात कीजिए, राजनीति का भी हिस्सा बनिए, हमारे साथ आइए और जन सेविकाएं बनिए। मेरा नाम डॉक्टर तरुण झाम है, पिछले 15 साल से मैं मेडिकल प्रैक्टिस में हूँ और मैं मणिपाल हॉस्पिटल से अटैच्ड हूँ और यहाँ जन सेवा के लिए मैं यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। मासिक धर्म एक नेचुरल स्टेट होती है और
हर स्त्री को ये एक नेचुरल स्टेट माना जाता है। इस दौरान महिलाओं की शरीर में चेंजेज आते हैं, ब्लीडिंग होती है और शरीर में दर्द होना, उल्टी आना, पेट दर्द होना, घबराहट होना, इनको लेके वो कुछ लोग डर जाते हैं और अपने आप को समझ नहीं पाते और एक डिप्रेशन की स्टेट में जाना भी शुरू कर देते हैं। ऐसे स्थिति में डरने की घबराने की ज़रूरत नहीं है, डॉक्टर से सलाह लें और इन्फेक्शन का, ब्लीडिंग का और हाइजीन का प्रॉपर ध्यान रखना होता है। इसके लिए कुछ छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, पैड्स को रेगुलर चेंज करना होता है, रेस्ट करना है, लिक्विड ज़्यादा लेना है, खाना पीना टाइम पे खाना है, हरी सब्जियां और सलाद हीमोग्लोबिन की पूर्ति के लिए पूरा लेना होता है और एक नेचुरल स्टेट के रहते रहते शरीर के साथ चलती रहती हैं और हमें अपने सेहत का ध्यान रखने के लिए ये भी एक नेचुरल तरीके से हमें इसको आगे समझना चाहिए। इसी तरह तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे आपका अपना चैनल वायरल सच, और आपके अपने चैनल वायरल सच को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।